कार का एक इनर सी भी टूट गया। अब हम इसको ड्यून्स से बाहर ले जाने के लिए ट्रेन बनाएंगे। फॉर्चुनर थार को टो करेगी, मेरी थार फॉर्चुनर को टो करेगी, तो ये 3 डब्बे की ट्रेन बनेगी और हम निकाल देंगे। सो इस ओल्ड थार का इनर सी भी टूट गया था, एंड इनर सी भी जो होता है एक्सेल का इनर साइड होता है, वो टूट गया था। फॉर्चुनेटली इस गाड़ी में फ्री व्हीलिंग हब्स लगे हुए थे, तो फ्री व्हीलिंग हब्स की वजह से हमने आगे वाले एक्सेल को पूरा डिसकनेक्ट कर दिया। एक्सेल को ही नहीं, पूरा दोनों फ्री व्हीलिंग हब्स से हम डिसकनेक्ट करके गाड़ी को टो करने लायक पोजीशन पे विंच करके और उसके बाद में टो करने की कोशिश की हमने। पहले हमने ये ट्रेन सेटअप स्टार्ट किया कि जिसमें 3 गाड़ियाँ टो कर रही थी, मतलब तो 2 गाड़ियाँ टो कर रही थी थर्ड कार को, पर इवेंचुअली क्योंकि ये बहुत टाइट टर्न्स थे और एक स्ट्रैप लंबा था, तो हमने डिसाइड किया कि एक कार से टो करना ईजी रहेगा इसमें। और जहाँ हम टो करके लेके जा रहे हैं वो काफ़ी लंबा ट्रैक है, यहाँ से हमें कम से कम 2 से 3 किलोमीटर सैंडी ट्रैक के अंदर, जिसके अंदर कुछ ड्यून्स के सेक्शंस भी है, उसमें टो करके निकालना है। उसके बाद में हार्ड ट्रैक आएगा, तो ये गाड़ी अपने आप 2 व्हील ड्राइव में चल के जा सकती है। इस टाइम पे सैंड बहुत ही बॉगी थी, तो रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी का कोई चांस ही नहीं था। इवन 2 गाड़ियों की टो के अंदर भी गाड़ी सपोर्ट नहीं कर रही थी कि गाड़ी प्रॉपरली टो हो जाए, तो हमने थोड़ा सा लेस बॉगी सेक्शन में इस गाड़ी को टो विंच आउट करके और उसके बाद में थार से टो करने का प्लान बनाया। क्योंकि बहुत ही टाइट और बॉगी ट्रैक था, तो लो रेंज सेकेंड गियर में कार इसको बेयरली पुल कर पा रही थी। पहले हमने हाई रेंज में ट्राई किया था, इवन लंबे गियर्स के अंदर कार बिल्कुल स्टॉल, ऑलमोस्ट स्टॉल होने वाली सिचुएशन में आ रही थी। सो एक बार ही थोड़ा सा स्पीड पकड़ने वाली पोजीशन तक हमने डिसाइड किया कि हम लो रेंज के सेकेंड गियर में हाई रेंज पे टो करेंगे। कुछ देर की टोइंग के बाद में कार बॉक डाउन हो गई क्योंकि ज़्यादा स्पीड हम नहीं कैरी कर पा रहे थे। सो इवेंचुअली हमने डिसाइड किया कि पहले कारों को विंच आउट करते हैं और उसके बाद में रियर विंच वाली गाड़ी से टो करेंगे। तो क्या होगा कि जैसे ही गाड़ी बॉक डाउन होगी तो विंच वाली गाड़ी उसको पुल आउट करके और फिर से स्टार्ट ले सकती है, वो थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट और लेस टाइम कंज्यूमिंग रहेगा हमारे लिए। फॉर्चुनेटली हमें आगे के ट्रैक में ना ओपन सेक्शंस मिल गए जहाँ पे स्पीड कैरी कर पा रहे थे। सो एक बार थोड़ा सा मोमेंटम बन जाए, थोड़ा सा फ्लो बन जाए, उसके बाद में टो करना रिलेटिवली इजी था। एंड 2 गाड़ियाँ हमने लीड में लगाई जो रास्ता डिफाइन कर रही थी कि कौन सा ट्रैक ईजीएस्ट बनेगा, मेरी कार और राठी वाली फॉर्चुनर जो है, हम दोनों ट्रैक बना रहे थे कि देख रहे थे कि कहाँ से सबसे ईजीएस्ट रहेगा इस गाड़ी को एग्जिट करने के लिए। हमने एग्जिट पॉइंट मार्क किया हुआ था, एक्चुअली ये 3-4 किलोमीटर का अराउंड टोटल ट्रैक बन रहा था, लेकिन उसके बाद में हार्ड ट्रैक स्टार्ट हो रहा था। ये बहुत ही बॉगी सैंड थी, बहुत सारे सालों के बाद में हमने इतनी सूखी सैंड देखी थी, बिल्कुल प्योर वर्जन ड्यून्स हैं ये। और ये
ये जितने टायर मार्क्स हैं ये सारे हमारे ही टायर मार्क्स हैं, ये हमने जाते हुए हमारी कारों से बने हुए टायर के मार्क्स बने हुए हैं। सो ओरिजिनल ये बिल्कुल ही वर्जिन ड्यून सेक्शन थे, ये रास्ता हमने ढूंढ के बना के हम यहाँ से अंदर गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली आगे जाके थार का सीवी डैमेज हो गया था तो हमें उसको टो करके वापस निकालना था। एंड निकालने से पहले हमें एक चीज़ देखना था ऑलरेडी, क्योंकि सनसेट हो चुका था, एक बार अंधेरा हो जाए डार्क हो जाए उसके बाद में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसके बाद में बहुत डिफ़िकल्ट होता है रास्ता निकालना क्योंकि बहुत सारे सिमिलर टायर ट्रैक्स बने होते हैं। सो हमारे लिए थोड़ी सी अर्जेंसी थी कि इसको टाइम से गाड़ी को बाहर निकाल लेते हैं। कपूर साहब यहाँ से नहीं चढ़ेगी? सो प्रणव वॉज ड्राइविंग दिस पजेरो स्पोर्ट, एंगल पे फंस गई है, सेल्फ रिकवरी का अटेम्प्ट हो रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है प्रणव। आगे 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 टायर के आगे रास्ता बना ले। Thank you.